सात दिन पहले वहां पे गए थे, वहां पे भी बता था आप। कौन आ गया भाई? एक मिनट वो इसके आगे बना लो, बना रहा है। और हमने ये सारी सरकार में देखा है, हम ये नहीं कह रहे कि वर्तमान सरकार में ऐसा ये एक यहाँ पर सहकारी चीनी मिल बोलना है, उसके विस्तारीकरण, उसकी क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में मांग कर रहे हैं और जो गन्ना का भुगतान नहीं है उसके संबंध में मांग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। ये एमडी साहब से बात हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अभी विधानसभा सत्र आएगा उसमें अनुपूरक बजट में यहाँ की मांगों के संबंध में कार्यवाही चल रही है, उम्मीद है पूरा उस पर निर्णय हो जाएगा और इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर ये बात है, जाम से पहले भी किसानों को समझाई जा सकती है? समझाई गई थी, ऐसा नहीं, पहले से भी बात तो इनके संज्ञान में लगातार, जनरल मैनेजर जो हैं चीनी मिल ये इनके संज्ञान में लाते रहे हैं। अब पहले कैसे नहीं संतुष्ट हुए इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता। आश्वासन उन्होंने कहा है कि हम समय देते हैं, जब भी अनुपूरक बजट पास होगा उसमें ये हो जाता है तो आगे कोई बात ही नहीं होगी। देखो समस्या ये है, बहुत भयंकर समस्या किसानों की है, जो शुगर फैक्ट्री है मोरना, वह 20-22 हज़ार क्विंटल पेलती है। सरकारों की स्कीम भी थी, वहाँ पे घोषणा भी हुई थी पहले, उसकी अब क्षमता बढ़ाई जाए, ये किसानों की डिमांड है। ये किसान 160 और 150 रुपया क्विंटल में गन्ना बेचता है, ये किसान नहीं बेचेगा। अगर गन्ना उनका इस रेट में जाएगा तो किसान यहाँ पर धरना देगा। अगर उसकी नुकसान हो रहा, जब तक फैक्ट्री नहीं बढ़ती उसकी भरपाई सरकार करे जो नुकसान में गन्ना किसान बेचता है। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा सारी शुगर फैक्ट्री पे, ये समस्या है। 5 तारीख तक प्रशासन ने समय लिया है, अगर 5 तारीख तक नहीं होता तो फिर एक बड़ा आंदोलन फिर यहाँ पर होगा। यहाँ की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं ये पूर्ण रूप से फैक्ट्रियाँ पोल्यूशन फैला रही, यहाँ पर जो पेपर मिल है यहाँ पर जाम रहता है, यहाँ के लोगों को बड़ी समस्या है, इसका समाधान नहीं होता तो 5 तारीख में फिर बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा।